is spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. तो गाइस अपने रिसोर्ट का थोड़ा मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको अंदर से और बाहर से। बाहर से तो ये रोड आती है और ये एंट्री है हमारी, कॉर्बेट टाइगर्स एंड ट्रीज वेलकम व्यू, और ये एंट्री है। और कुछ भी एडवेंचर एक्टिविटी करनी हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। क्यारी में है रामनगर, ये इनका मोबाइल नंबर है आप देख सकते हैं। और पैरा मोटरिंग भी कर सकते हैं जिम कॉर्बेट में, यहाँ से 5 किलोमीटर ड्राइव पे है। उसके बाद ये रिसेप्शन है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत है ये पूरा रिसोर्ट। ये है स्विमिंग पूल, अभी चलेंगे अंदर। और यहाँ पे हम रुके, ये फैमिली रूम है ऊपर, और हम 6 लोग रुके हुए हैं। टेंट वाला रूम है, इस पर 7 बंदे रुके हुए हैं, हम 7 लोग हैं इसमें। ये टेंट एकोमोडेशन है, ये मैं दिखा देता हूँ, कल यहाँ पर स्टे हुआ था। ये देखिए, ये डबल बेड लगा हुआ है यहाँ पे। वो ऊपर भी फैमिली रूम है, जो बड़े बड़े रूम हैं ये सारे फैमिली रूम हैं। और ये वन रूम के एक कॉटेज है साथ में, और पूरा लश ग्रीन है और बहुत ही अच्छी प्लांटेशन हुई पड़ी है अंदर। वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं इसके अंदर, ये देख लो, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं। बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और कोई मतलब गंदगी नहीं है अंदर। छोटा नहीं, बड़ा सा रेस्टोरेंट है ये पूरा, इसमें सिटिंग एरिया है। ये सामने बूफे लगे हुए हैं, और ये टेबल टेनिस खेलनी हो तो ये टेबल टेनिस का बना रखा है एक छोटा सा। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जिम कॉर्बेट। तो गाइस आज हमारा डे 2 है, कल हम आए थे यहाँ पे जिम कॉर्बेट में, कॉर्बेट टाइगर एंड ट्रीज रिसोर्ट में। और ये पूरा जंगल एरिया है, सामने पूरा डेंस फॉरेस्ट है। और कल मैं रिवर पे भी गया था, आपने देखा होगा। और जिन्होंने कल का व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो आप लिंक के थ्रू जा के देख सकते हैं। तो आज का प्लान मैं बता दूं, अभी रिवर पे जाने का भी प्रोग्राम है, पूल पे भी हम मस्ती करेंगे, मैं तो थोड़ी एक्सरसाइज करूंगा। इसके अलावा हमारे जायद भाई और 1-2 बाइकर्स और आने वाले हैं, कल मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो वो आएंगे तो हम कोई ट्रैक पे जाएंगे फिर। तो यहाँ देखते हैं, कोई लोकल से पूछेंगे कौन सा ट्रैक है यहाँ पे बढ़िया, तो ट्रैक करेंगे, थोड़ा जंगल का थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ इवेंट्स भी होती हैं, मोटर पैरा ग्लाइडिंग होती है यहाँ पर कुछ 9 किलोमीटर आगे। और कल मैंने बात करी थी, उसका चार्जेस है लगभग 3,000 और 4,000, वो हाइट पे डिपेंड है और थोड़ा डिस्टेंस पे। और इसके बाद थोड़े स्पोर्ट्स एडवेंचर्स होते हैं, इसका दोनों का मैं नंबर आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से पता कर सकते हैं और अगर आपने करना है तो। और इसमें जैसे रॉक क्लाइंबिंग है, जिप लाइन है, फ्री फॉल वगैरह, मतलब काफ़ी इवेंट्स होती हैं यहाँ पर। ये मैं हूँ और ये हमारा पूल है, ये हमारे दोस्त हैं और हम जा रहे हैं नदी पे नहाने, पूल को छोड़ के नदी पे जा रहे हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं रिवर पे, ये देखिए हमारे भाई लोग नहा रहे हैं, सारे लोग भाई तो पहुँच गए। और ये सामने सनराइज़ हो चुका है, काफ़ी देर होगी सनराइज हुए। और ये हमारे लबास भाई वेद भाई और संजू भाई, अभी ये भी नहाने की तैयारी कर रहे हैं और हम भी। और ये हैं जेडी भाई हमारे भाई साहब, और ये भाई सो सारे, तो हम भी घुसते हैं, अभी घुसते हैं नहाने। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट,
और इससे पहले आपने देखा ही होगा हम रिवर गए थे, रिवर में हमने बात लिया, स्नान किया और उसके बाद आ गए थे स्विमिंग पूल, वहाँ पे भी हमने खूब स्विमिंग करी और अब नहा धो के तैयार होके अब सीधा जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। दोस्तों ही निकाली एक तो पहले नदी नदी पर आउट कर लिया वैसे वहां से रिस्क नहीं लेता यार। मैंने जैसे आपको बताया था कि जायद भाई और अबू भाई आए हुए हैं, सुबह मॉर्निंग में चले थे 5 बजे, 5:15 बजे चले थे दिल्ली से और ये पहुँचे हैं यहाँ पे 10:30 बजे और उसके बाद स्विमिंग पूल में हमने थोड़ा खूब मस्ती करी। समय 2 बज चुके हैं और हम कर रहे हैं लंच, ये देख लीजिए पनीर पसंदा, आलू शिमला मिर्च और साथ में सलाद है और ये पाइनएप्पल रायता है, तो राजमा है, राजमा। तो अभी हम कर रहे हैं लंच और इसके बाद हम एक छोटा सा ट्रैक करेंगे यहाँ पे जो कि रिवर के साथ साथ निकलेंगे आगे, हमें पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, देखते हैं। ये वन एंड हाफ आवर तक कोई ट्रैक करेंगे, ये संजीव भाई। तो अभी हम चलेंगे फिर सीधा ट्रैक पे, अभी खाना खा रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं एक छोटे से ट्रैक पे और अभी अननोन ट्रैक है, अभी पता नहीं हमें कितना समय लगेगा, मैक्सिमम जगह जाने की कोशिश करेंगे और ये हमारा पूरा ग्रुप है और जायद भाई। हेलो जी, हेलो, हेलो। जायद भाई सुबह बढ़िया जगह है ये, मजा आ गया है और आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, नदी पार करेंगे पैदल। और भाई लोग आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया अच्छा लग रहा है, आपकी गाइडेंस में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और अबू भाई भी आए हुए हैं। हेलो। तो अभी दिखाते हैं आपको ट्रैक और ये बहुत ही शानदार जगह है, पीसफुल जगह है, जंगल रिसोर्ट है, वीकेंड की राइड बना सकते हैं यहाँ पे भी और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगा, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इसके बारे में मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जाटोंग व्हील्स। जायद भाई हमारे अब वापसी जा रहे हैं दिल्ली को, बाय बाय। और आज इन्होंने पूरी पूल पार्टी करी, यहाँ ब्रेकफास्ट खाया और पूल में खूब मस्ती करी और नदियों में जाके नदियों में ट्रैक करते गए, हम अंदर तक जंगल में लम्बा जी को रोक भी दिया, ये तो अंदर जा रहे थे जंगल में, हमने बोल दिया भाई रुक जाओ, आज शेर पकड़ के ही लेके आना था भाई, लम्बा जी अनकंट्रोल हो रहे थे, इनके दोस्तों ने तो पहले ही रोक दिया था। चलो बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू लामा जी, आपने इतना सही जगह बुलाया, इतना ब्यूटीफुल जगह और अंदर अंदर जंगली रास्ते, मजा आ गया, मस्त। तो बेस्ट ऑफ जर्नी है, आप बड़े आराम से जाना, ठीक है। तो गाइज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और हम हैं कॉर्बेट में। तो सुबह हम शहर पे निकले थे और मंदिर पे आए हैं, तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर हमने ट्रैक किया और उसके बाद मंदिर पे आए हैं, शिव मंदिर, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। और ये सामने रिवर है, रिवर साइड सामने से रिवर आ रही है,
और आज का प्लान ये है कि अभी जस्ट जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, आप देखते हैं स्विमिंग पूल में नहाते हैं या वैसे नहाएंगे, उसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट और उसके बाद निकल पड़ेंगे दिल्ली को। आज का टोटल यही प्रोग्राम है। तो गाइस अभी हम हैं कॉर्बेट में और ये है सीताबणी का जंगल और ये देखिए रिवर, देखिए ये देखिए सामने ब्यूटीफुल रिवर। और ये अमित भाई हमारे और ये संजीव और ये नदी का लुफ्त लेते हुए सुबह सुबह की ठंडी ठंडी बिनी बिनी हवा चल रही है और ये कल कल करती हुई नदी हमारी बह रही है साथ में, ये देखो। तो गाइस 11 बज चुके हैं, आज है मंडे और पूरा रिसोर्ट खाली हो चुका है और सब लोग जा चुके हैं। तो हमारी ये आखिरी गाड़ी है SUV 500, तो हम रेडी हो रहे हैं, सारा सामान पैक कर रहे हैं, तो हम निकल रहे हैं अब इस रिसोर्ट से। तो टू नाइट्स का हमारा स्टे था, बहुत ही शानदार रहा, मज़ा आ गया और खूब स्विमिंग करी, खूब खाए पिया। और ये सारे हमारे भाई लोग, हेलो हाय, कैसा nice लगा? नाइस ट्रिप। कैसा लगा अभी बहुत तक? बहुत ही शानदार ट्रिप था, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। हाँ जी, कैसा लगा? फर्स्ट क्लास, 7-2। थैंक यू फॉर योर एक्सपर्ट एडवाइस। और रहा कैसा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और अब शाम तक दिल्ली। अच्छा, मेरे ख्याल से 5-6 घंटे लगेंगे। तो अब हम पहुँचेंगे सीधा दिल्ली। तो गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम, जय हिंद।